ये ग्रीन का क्या फायदा है, ये इस तरह से गायब हो जाता है। और आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली अपने इमेजिनेशन के हिसाब से सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत काम आने वाला है। मेरा पूरा कमरा जो है कबाड़ी की तरह बिखरा पड़ा हुआ है। मैंने गाड़ी के टायर भी चेंज करवाए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, जो चारों टायर हैं वो सड़ चुके थे पूरी तरह से और वो कभी भी फट सकते थे और कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा मैंने और ज़रूरी था वो। और 5 तारीख को हम लोग जो है चैत्यभूमि मुंबई पहुंचने वाले हैं, मतलब निकलेंगे यहाँ से और 6 तारीख को पहुंचेंगे सुबह, और बहुत एक्साइटेड होने वाला है। मैं पहली बार चैत्यभूमि जा रहा हूँ और मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी वहाँ पहुँच के। आज 3 दिसंबर है और आज एक खास दिन है। आज सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बहुजन तैराक हैं, जो अपने दोनों पैरों से नहीं चल सकते हैं, उसके बावजूद उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया रिले में, कैथलीना चैनल को पार किया रिले में, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में उनका नाम आ चुका है और ग्रीस वर्ल्ड में भी आने वाला है बहुत जल्दी। उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिलने जा रहा है। उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि दलित दस्तक जो मैगजीन है, दलित दास्तान नहीं, दलित दस्तक जो मैगजीन है, उनके फ्रंट पेज पर उनका फोटो और उनको डेडिकेट किया है वो फ्रंट कवर, दिसंबर वाला जो उनका एडिशन है जो आप अभी देख रहे हैं इस वक्त। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सत्येंद्र सर अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर आए हुए थे, तब मैं दलित दास्तान की शूटिंग कर रहा था और जब मुझे पता चला कि वो ग्वालियर में है तो मैं तुरंत उनके घर गया उनको बधाई देने के लिए, और उस दौरान एक वीडियो भी बनाया मैंने, वो आपको दिखाता हूँ, वो देखिए। तो सत्येंद्र सर से तो हम हर बार मिलते ही हैं और आज बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आपको राष्ट्रपति की तरफ से अवार्ड मिलने वाला है। शायद 2 तारीख को बुलाया आपको? नहीं, 1 दिसंबर को बुलाया, वो 2-3 दिन का रिहर्सल रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 3-4 तारीख तक रहेगा? 3 तक, वो फिर 2 दिन तक वो रखते हैं, घुमाते हैं। तो अभी हम लोग दलित दास्तान की शूटिंग कर रहे थे और करते करते मुझे मैसेज, मैंने देखा सर का व्हाट्सएप मैसेज पड़ा हुआ था तो मैंने तुरंत कॉल किया कि चलो ये बहुत खुशी की बात है सर, मतलब जिस जगह आप जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर आप बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये अवार्ड के लिए आपको कब पता चला? मेरे को ये अवार्ड का जो बारे में मालूम पड़ा था, क्योंकि मैं इंदौर में पोस्टेड हूँ कॉमर्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मेरे को इवनिंग में फ़ोन आया कि सत्येंद्र आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो मतलब ऑब्वियसली एक अच्छा लगता है कि जो मेहनत हम लास्ट 6 ईयर्स से जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा था, जो पिछले 6 सालों से कंटिन्यू हर साल हम अप्लाई करते थे, इस साल भी जब मैं अमेरिका गया तो अमेरिका जाने से पहले ही हम इसको जो फॉर्म को भर के तब हम अमेरिका गए, क्योंकि हमें ये लगता था 6 साल से नहीं हो रहा था, तो ये लगता था कि आपका यो इसमें वो क्यों रहे, सिलेक्टेड क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ कमी होगी। मैंने कभी भी कमेटी को ब्लेम नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ अचीवमेंट्स, कुछ उनके जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके बराबर नहीं होंगे, इसके कारण नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग जो अपने आस पास है स्टूडेंट है, काफ़ी गिवअप करते हैं, एग्ज़ाम में फेल होते हैं, तो बोलते हैं कि मेरे को एग्जामिनर ने कुछ गलत मेरा एग्जामिन किया हुआ, हर तरह के ब्लेम लगाते हैं। मगर ऐसा किसी को ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, वो अपने से बहुत बड़ी हाई अथॉरिटी होते हैं। हमारे खुद को एनालाइज ना करने के, हमें अपने को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमारे में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस लायक हैं। तो इस ईयर से हमें कैपेबल बने तो हमको सिलेक्ट कर लिया गया। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा हो तो सत्येंद्र सर जो है बिल्कुल अम्बेडकर वादी हैं, पीछे देखो अभी भी फोटो लगा हुआ है और बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारे गोल्ड मेडल और मतलब इंटरनेशनल तैराक हैं, और एक बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, अगर वो भी देखना है तो मैं यहाँ आई बटन पर डाल दूँगा, देख लेना आप। और राष्ट्रपति अवार्ड मतलब बहुत बड़ी बात, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। नहीं तो अम्बेडकर, यहाँ तक आपने बोली कि अम्बेडकर बाद की बात है, क्योंकि अम्बेडकर बाद एक मतलब मैं तो कहूँगा ये कि जी विचारधारा है, एक
मैं तो एक वो विचारधारा है जिस व्यक्ति इस पर चलकर समता न्याय और जो बंधुत्व जो भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चलकर अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो यहाँ तक उनके सिद्धांतों पर चले और अपने समाज और अपने देश के ही नहीं भी जो विश्व के अंदर जाने गए, इसीलिए इस नियमों का जब मैंने फॉलो किया और मैंने जाना कि जिनके जो न्याय बंधुत्व की बात है, जो हमने जब पेरीवाल एयरपोर्ट पर करके भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखा था, मैं कहना चाहता हूँ, हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, किसी भी धर्म और रिलीजन की बात हो, क्योंकि जो बुद्धिज्म एक किसी विशेष के लिए रिलीजन नहीं है, पूरे विश्व के अंदर एक एक विचारधारा है जिस पर समता न्याय बंधुत्व मानवता वाली विचारधारा, अगर इस पर चलेंगे, मैं बड़े विश्वास और निष्ठा के साथ कहता हूँ कि जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और अपने ही परिवार की तरक्की नहीं करेंगे, समाज और देश की तरक्की के साथ विश्व में अपना नाम फैलाएंगे। शानदार बात बोली सर आपने, बहुत ही शानदार बात बोली। अभी जिनसे हम मिलकर आ रहे हैं वो सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं। उन्होंने दो इंटरनेशनली होते खैर चैनल, तो दो चैनल पार करें और ये बहुत बड़ी बात। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आई बटन पे आप क्लिक करके देख लेना या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो कैसा लगा उनका बिहेवियर, कैसा था? बहुत शानदार। राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला है हमारे एक बहुजन व्यक्ति को जो कि पैरों से विकलांग है और अभी नहीं बचपन से हैं, वरना हमारे जैसे लोग जो है अपनी वो खो देते हैं। जैसे हम दलित शासन का एपिसोड बना रहे हैं, कहीं कोई नहीं आ रहा तो सोचते हैं यार छोड़ो यार हमें नहीं बनाना। लास्ट टाइम आपने तो बोल दिया था कि इसको जैसे जैसे मन कर ले आगे तो अपने एपिसोड ही नहीं बनाएंगे। और सोचो हमारे पास सब कुछ है, हर चीज से सक्षम है, मतलब इतना तो है कि हम कर लेते हैं, उसके बाद हम होप छोड़ देते हैं। और सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है वो पैरों से विकलांग है, लेकिन उनको देख के कभी एहसास ही नहीं होता, वो लगता है भैया उनका कद तो हमसे ही बहुत ऊंचा है, हम वहां तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो एकदम प्राउड सा महसूस हुआ कि मतलब प्राउड हुआ ना कि भाई हमारे व्यक्ति को राष्ट्रपति अवार्ड मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आपके चैनल के माध्यम से मुझे भाई फेस जानती है। तुम पहली बार मिले? हां मैं पहली बार ही मिला हूं। पहली बार मिले ना तुमको? तो उन्होंने बोला अरे सनी आओ, ये गजब की बात है, उन्होंने आओ सनी आओ बैठो। मैं शौक हो गया एकदम से कि ये मुझे जानते हैं, तो मैं समझ गया यार कि ये YouTube के माध्यम से मुझे जानते हैं। मतलब तुम फेमस हो रहे हो, तुम्हारा पत्ता काटना पड़ेगा। दाल में तड़का हूँ मैं। चलो भाई आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कुछ खास था इसलिए दिखाने के लिए बनाया। कीप सपोर्टिंग।